So welcome to Beginners to Master platform for UPSC CSE by Unacademy. Please download Unacademy learning app for more awesome videos and lectures. यहाँ पे मिलेगा आपको daily live classes, structured course, live test और unlimited access. Unacademy आपको provide करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर लाइक मृणाल पटेल, रोमन सैनी. अब हम बात करते हैं UPSC subscriptions के बारे में. अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी वैसे तो कॉस्ट 64,000 है, बट आलोक YT कोड इस्तेमाल करने के बाद इसकी कॉस्ट आपको 57,600 रुपीज़ पड़ेगी. सो प्लीज़ यूज़ दिस कोड. अब हम दिस इज़ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ आलोक कुमार पाठक, एंड आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 ईयर्स इन करंट अफेयर NGS. तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने कोर्स ओवरव्यू की. तो इसमें हम जो लगातार करते आ रहे हैं, इसमें हम डेली के MCQ करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड और GK से रिलेटेड. उनकी डिटेल डिस्कशन करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, और इसमें हमारा बेसिकली फोकस ये रहता है कि जब आप शुरुआत करें UPSC की प्रिपरेशन की तो किस तरीके से आपको न्यूज़पेपर से अपने क्वेश्चंस निकालने होते हैं, और बाकी हम सिंपल एक तरीके से एक स्टैटिक पोर्शन को भी साथ लेके चल रहे हैं. ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं 20 जुलाई से रिलेटेड जितने भी हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, सो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो जाते हैं. सबसे पहले हमारा यही सेशन रहता है कि पहले हम करंट अफेयर करते हैं सारे क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हम स्टैटिक का कुछ क्वेश्चन करते हैं जो सिंपल वन लाइनर फॉर्म में होगा, और उसके बाद हम करेंगे बड़े क्वेश्चन, जैसे पूरे स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो जिन्हें कहते हैं हम लोग. ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. सो आपको तो चलिए आपको पहले फाइंड करना है करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है कि लद्दाख जो है वो हाईएस्ट प्लेटू है इंडिया का, और दूसरा ऑप्शन कहता है ये हिमालय एक्सटेंड करता है हिमालय से कुल्लून रेंज से और इंक्लूड करता है अपने अंदर इंडस रिवर वैली को. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ वन एंड सी, वन एंड टू. ठीक है, दोनों इसके करेक्ट आंसर है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने है. ये करंट अफेयर के न्यूज़ है, इसे स्टैटिक का क्वेश्चन मैंने बना के निकाला है इसमें से. ठीक है, ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएं कि करंट अफेयर में से आपको स्टैटिक के क्वेश्चन किस तरीके से निकालने. ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि ट्रीटी ऑफ चसॉल जो है, ट्रीटी ऑफ चसॉल 1842 में, इसे डेट भी वो चेंज कर सकते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, हुआ था जनरल जोरावर सिंह के बीच में. ठीक है, और किस गवर्नमेंट के बीच में. ठीक है, आपको ये बताना है नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, किसके साथ ये हुई थी ट्रीटी. तो ये हुई थी चाइना के साथ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है. अब हम देखते हैं लद्दाख से रिलेटेड, ये पूरा का पूरा पॉइंट थे हमारे. ठीक है, तो लद्दाख क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. हाईएस्ट प्लेटू है इंडिया का, ये पॉइंट ध्यान रखना है. हाइट कितनी है, 3000 मीटर के आसपास है. कहाँ से कहाँ तक है, कुल्लून रेंज से लेके ये इंडस रिवर को भी अपने अंदर करता है. ठीक है, अब बात करते हैं कि जो चाइना ने क्लेम करना शुरू किया लद्दाख के ऊपर वो कब से स्टार्ट हुआ. तो 1958 में एक मैगजीन आई और उसमें चाइना ने इसे अपना पार्ट बताया. ठीक है, और NEF जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है उसे भी अपना पार्ट बता लिया. ठीक है, उसके बाद आगे चल के 1962 में वॉर होती है और आपकी बनती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कब बनी थी, तो ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है, अब इंटीग्रेशन की बात करते हैं लद्दाख के इंडिया में. ठीक है, तो इंडिया में कैसे हुआ, पहले तो देखिए ध्यान रखिएगा इसका तिब्बत से ही मेनली रिलेशन था. ठीक है, बट इसका ऐसी उसके बाद क्या हुआ, किंग लंदर्मा जो थे उन्होंने 1743 में इसे अपना पार्ट बना लिया. डोगरा इन्वेजन हुआ 1834 में इस पर, फिर उसके बाद सिख ने इसे एक्वायर कर लिया 1819 में कश्मीर को, जब तो रंजीत सिंह के अंडर. तब उसके बाद इसे भी आगे एक्वायर करने के लिए गुलाब सिंह जो जनरल थे, ठीक है, उन्होंने लद्दाख पे आगे बढ़त करने की कोशिश की. ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिटिश. ब्रिटिश का कोई इंटरेस्ट नहीं था शुरुआत में, बट बाद में इनका भी इंटरेस्ट इसमें जाग गया. ठीक है, और जम्मू कश्मीर को उन्होंने ऐसा बफर जोन बनाया. ठीक है, अब बात करते हैं 1841 में क्या होता है कि जो क्विंग डायनेस्टी थी चाइना की वो लद्दाख को इन्वेड करती है. ठीक है, जिसके कारण सिनो सिख वॉर होती है. ठीक है, चाइना और सिख के बीच में, सिखों के बीच में वॉर होती है, जिसके कारण आगे चल के क्या सॉल्व आती है, ट्रीटी ऑफ चसॉल आती है. तो इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन था आपके सामने. तो एंग्लो सिख वॉर 1845 में होती है, उसके बाद क्या होता है, लद्दाख वाला जो ये पूरा एरिया ये सब ब्रिटिश के अंदर चला जाता है. ठीक है, सो ये सारे पॉइंट थे लद्दाख से रिलेटेड. अब बात करते हैं कि इंडिया और चाइना का क्या हुआ, इंटरेस्ट वापस लद्दाख में कब से क्या कैसे स्टार्ट हुआ. ठीक है, तो एनेक्सेशन जो था तिब्बत का वो 1950 में कर लिया चाइना ने. ठीक है, और वो लद्दाख को भी अपने अंडर लाना चाहता था. तो जो दलाई लामा थे, ठीक है, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर, वो इंडिया में असाइलम ले लेते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया के साथ इनकी प्रॉब्लम शुरू होती है और 1962 में वॉर होता है. ठीक है, नेहरू गवर्नमेंट के टाइम, और इंडिया इस वॉर को हार जाता है.
ठीक है। अब बात करते हैं वापस कब से इशू स्टार्ट हुआ। इंडिया ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर 2013 में बनाने शुरू किए, 2015 में भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रखे, और उसके बाद 2019 में क्या किया इंडिया ने, जेएनके का जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया, जिसके कारण चाइना को भी दिक्कत हुई। ठीक है, तो फिर ये सब सारे पॉइंट्स यहाँ पे बन के आते हैं। ठीक है, और चाइना तो इसे अपनी टेरिटरी ही मानता है बैठ के। अब बात ये है, ये सारी प्रॉब्लम आई कैसे, ये देखिए, ये जो ब्रिटिश लेगेसी है उसके कारण ये सारा पॉइंट आया है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश एम्पीरियलिज्म जो इंडिया में था और जो चाइना में था, उसने इसे सही से डिमार्केट ही नहीं करके दिया कुछ भी। ठीक है, तो यही पूरा पॉइंट है। यहाँ आप देख सकते हैं मैपिंग का क्वेश्चन अगर बने, अक्साई चीन यहाँ पे है, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे है जहाँ पे हमारे जवान रहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये रही आपकी गालवन वैली, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, और ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है। ध्यान रखना यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है एकदम। आपको पता ही है इंडिया को क्या मिल गया है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबरशिप की पोस्ट मिल चुकी है। ठीक है, उसके लिए चुना जा चुका है। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि नॉर्म्स जो है, ठीक है, नॉर्म्स जो है उसमें से जो इंडिया ने उसमें नॉर्म्स में अपने इनिशिएटिव्स बताए हैं, उनमें से कौन सा एक इनिशिएटिव नहीं दिया गया है इसमें से। ठीक है, रिस्पेक्ट, डायलॉग, कॉपरेशन, डिफेंस, इनमें से क्या नहीं है। ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या है, क्या इंक्लूड नहीं करता, डिफेंस इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वापस पूरे की पूरी कि इंडिया को क्या है पूरा। हम पहले ही पिछले दिन के न्यूज़ में सब कुछ कवर कर चुके हैं, वापस बस ऊपर हल्का हल्का देखेंगे। नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए इंडिया चुना गया है। हमें मालूम है टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 10 नॉन परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी को क्लीन स्टेट मिल भी जाता है किसी स्टेट को, फिर भी हमने आपसे किया था पिछली क्लास में कि 2/3 वोटिंग तो मस्ट है। और वोटिंग सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखने, प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है, 2/3 वोटिंग मस्ट होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो सीटें होती हैं वो रीजन वाइज डिवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, कुछ कुछ को जैसे अफ्रीकन अलग, लैटिन अलग, यूरोपियन अलग। ठीक है, तो इस तरीके से इन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। और उसके बाद दूसरी बात आपको ध्यान यहाँ पे रखनी है कि जो वोटिंग होती है वो जो कि इनकी वोटिंग होगी वो ऑड नंबर ईयर्स और इवन नंबर ईयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है इन कंट्रीज़ को, फिर उसके बाद इनकी वोटिंग की जाती है कि ऑड नंबर में कुछ रख दिए और इवन नंबर में कुछ रख दिए गए। ठीक है, तो इंडिया 2021-22 के लिए चुन लिया गया है, 2 सालों के लिए। ठीक है, क्या इंडिया पहली बार ऐसा चुना गया, नहीं, ये इंडिया 8वीं बार ऐसा नॉन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर चुना गया है। ये सारे ईयर्स हैं आपके सामने कि किन किन ईयर में चुना गया है इंडिया पहले भी। ठीक है, अब दूसरी बात हम लोग करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए यहाँ पे अगर इंडिया के पास मेंबरशिप पाता है तो इंडिया अपने जो भी अपने इश्यूज हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सामने रख पाएगा। तो उसके लिए एक पूरा जो कहते हैं पूरा का कि क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, तो इसके लिए इंडिया ने नॉर्म्स अपना जो है, ठीक है, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम, इसको लॉन्च किया था। ठीक है, मतलब कहते हैं एक तरीके से आप मेमोरेंडम कह सकते हैं कि जब जैसे चुनाव के समय पार्टीज जो होती हैं, ठीक है, अपना जो भी है चुनाव प्रचार करती हैं, ठीक है, उसके लिए पैम्पलेट जारी करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इंडिया ने भी वैसे लॉन्च किया अपना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि की हाईलाइट्स क्या हैं कि इंडिया क्या क्या इसमें करेगा। न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस करेगा, इंटरनेशनल टेररिज्म को खत्म करेगा, मल्टीलैटरल सिस्टम के लिए काम करेगा, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी के लिए काम करेगा, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगा ह्यूमन टच के लिए, ठीक है, और सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये हमारा जो है, ठीक है, नॉर्म्स, उसमें क्या चीज़ें हैं। रिस्पेक्ट है, डायलॉग है, कॉपरेशन है, पीस है और प्रॉस्पैरिटी है। ठीक है, 5S। चलिए अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, पीस कीपिंग का काम करती है। ठीक है, केवल एकमात्र बॉडी है जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास करती है। 15 मेंबर होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट, 10 क्या होते हैं आपके नॉन परमानेंट, और जो परमानेंट मेंबर हैं वो वीटो लगा सकते हैं, और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। सारे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है सिविल सर्विस बोर्ड से रिलेटेड। ठीक है, थोड़ा पंजाब में इसे लेके इशू चल रहा था, तो आपसे ऐसा इतना कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं निकाल के पूछेगा, वो सिविल सर्विस बोर्ड से रिलेटेड करके क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन निकल के सामने आ जाते हैं तब स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये पूछा कहाँ से, तो थोड़ा इसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। किससे रिलेटेड, सिविल सर्विस बोर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी, ठीक है, एंट्री लेवल पे, ठीक है, जॉब प्रमोशन में, ठीक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी से रैंक के नीचे तक की। दूसरी बात यह है कि अगर
सेंटर गाइडलाइंस बोर्ड प्रोवाइड करता है कि सेंटर की गाइडलाइंस फॉलो की जाए फिक्स टेन्योर की, जो 2 ईयर है कैडर ऑफिसर का, ठीक है। और जो कैडर ऑफिसर होता है, ठीक है, अगर उसका ट्रांसफ़र हो रहा है तो एग्जामिन करेगी क्या, ये बोर्ड एग्जामिन करेगा, और फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है, पीएम के पास होती है। तो ये सारे पॉइंट हैं। अब देखिए इतने सारे पॉइंट्स जो हैं ये इतने अच्छे से याद रहे ना रहे, बट 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना था कि पीएम के पास नहीं होती, फाइनल अथॉरिटी सीएम के पास होती है। तो 4th आपका करेक्ट रॉन्ग ऑप्शन है। तो ये कटा, ये कटा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा पता होना चाहिए। तो तीसरा भी सही ऑप्शन है। तो 1, 2 and 3 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सिविल सर्विस बोर्ड का हेड कौन होता है? आपको ये पॉइंट, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके देना है, ठीक है, इसका हेड कौन होता है। अब ये भी चाहा जाता है तो उसी स्टेटमेंट में डाल दिया जाता है और एक पूरा लंबी चौड़ी स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन जाता है, बट इसे वन लाइनर के फॉर्म में रखा है ताकि ज़्यादा आपको ईजी रहे, ठीक है, चीज़ें याद रखने के लिए भी काम आ सके आपके। कौन होगा हेड, आपको ये सॉल्व करना है, सीएम होगा, पीएम होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, या चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा। कौन होगा सिविल सर्विस बोर्ड का हेड, ठीक है, किसी भी स्टेट में, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए डी इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, वही सिविल सर्विस बोर्ड के बारे में सारे पॉइंट हैं, ठीक है। सब्सिक्वेंट प्रमोशंस की बात कर रहा है, ठीक है, सेंटर की गाइडलाइंस फॉलो करता है 2 साल तक की टेन्योर की, ठीक है, कैडर ऑफिसर के लिए। एग्जामिन करता है अगर उसे हटाया जा रहा है, ठीक है, फाइनल अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर लेगा, ठीक है। तो यही सब सारे के सारे पॉइंट हैं कि पॉलिटिशियंस इससे अपसेट हैं कुछ, ठीक है, सेंटर की गाइडलाइंस से, ठीक है, कि हमारी थोड़ी पावर कम वम हो रही है, ठीक है। अब इसमें सबके अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा फाइनल अथॉरिटी किसकी है, सीएम की है, ठीक है। अब गवर्नमेंट इसे फेवर इसलिए कर रही है क्योंकि क्या होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी में कंटिन्यूटी बनती रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और प्रियोरिटी हद से ज़्यादा है इसके पूछे जाने में, कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ठीक है, रूल ऑफ इंडेक्स कौन रिलीज करता है। चलिए कौन करता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट करता है, वर्ल्ड ह्यूमन प्रोजेक्ट करता है, वर्ल्ड विजडम प्रोजेक्ट करता है, या वर्ल्ड लीगल प्रोजेक्ट करता है, कौन करता है ये रिपोर्ट रिलीज, ठीक है। तो चलिए करेक्ट आंसर आपका है इसमें, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट करता है ये रिपोर्ट रिलीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फिर से उसी को ही वन लाइनर के फॉर्म में बनाया गया है, ठीक है, और ये क्वेश्चंस आगे चल के आपको पूरे कंबाइंड फॉर्म में भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे आज हो गया है तो नेक्स्ट आपको ये कंबाइंड डे फॉर्म में मिलेंगे। जैसे आज भी आप देखेंगे कि पिछले दिन के जो क्वेश्चन थे वन लाइनर के, उन्हें ही कंबाइंड फॉर्म में दिया गया है। तो वही यहाँ पे इनिशिएटिव है कि बिगिन आप करें किससे, वन लाइनर के फॉर्म में, फिर उसके बाद बड़े जो ढेर सारी स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे जाएँ उन्हें भी आप धीरे धीरे करने की प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। सबको ये इंपॉर्टेंट ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें इंडिया की रैंक क्या है ये पूछी गई है, ठीक है। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में इंडिया की रैंक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में कितनी है, तो ये करेक्ट है आपकी 69। अब देखिए 9 है, 15 है, 35 है। अब 69 आप बोलोगे याद रखनी पड़ेगी क्या, नहीं, ध्यान रखिएगा 50 से नीचे इंडिया की कभी रही नहीं, तो 50 से नीचे है सारी की सारी, तो कितनी हो जाएगी, 69 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होता है यूपीएससी में, ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इस तरीके से आपके पास बन के आएगा, ठीक है। अब देखिए ये 4-5 क्वेश्चन जो मैंने अलग बना दिए हैं, इन्हीं को क्लब करके मैं एक क्वेश्चन भी बना सकता हूँ जो आपको कल के क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब इंडेक्स जो है वो रूल ऑफ इंडेक्स में नहीं कैलकुलेट किया जाता है, कौन सी चीज़ नहीं की जाती है, ठीक है, कौन से पॉइंट नहीं कैलकुलेट किया जाता है। चलिए देख लिया होगा आपने, कंस्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट पावर, सेकंड है एब्सेंस ऑफ करप्शन, थर्ड है क्लोज गवर्नमेंट, और लास्ट है फंडामेंटल राइट। तो टोटल 8 इंडिकेटर में क्लोज गवर्नमेंट नहीं, ओपन गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट डिफाइंस द रूल ऑफ लॉ सिस्टम एज वन ऑफ विच 4 यूनिवर्सल प्रिंसिपल आर अपहेल्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट अमंग देम। तो 4 प्रिंसिपल के बारे में बात करता है, उन 4 में से कौन सा यहाँ पे प्रिंसिपल जो है नहीं है, ठीक है। तो आम बात है 3 सही होंगे, कोई एक गलत होगा, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। इस तरीके से स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए गलत है, गुड गवर्नेंस पब्लिक पार्टिसिपेशन का कोई लेना देना नहीं है, बाकी इन सारे 4 तीनों का है, ठीक है। लॉ क्लियर पब्लिसाइज होना चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लॉज जो हैं इनेक्टेड होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेड होने चाहिए, जस्टिस जो होता है कॉम्पिटेंट होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर इज ए। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों बनाया, क्योंकि ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट को भी कुछ अच्छा काम करो भाई रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग को सही करने के लिए, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था कल, ठीक है।
ठीक है, तो इससे ये रिलेटेड क्वेश्चन निकाला गया है, ठीक है सारे क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में, ठीक है। कौन निकालता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट निकालता है, इंडिया की रैंक 69th है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, ये क्वांटिटेटिव असेसमेंट टूल है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का, ठीक है, जिसमें वो कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देखता है कंट्री का रूल ऑफ लॉ की, ठीक है, रूल ऑफ लॉ की कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देखता है कि प्रैक्टिस में है कि नहीं। अब उसमें ये 8 इंडिकेटर्स वो इस्तेमाल करता है फैक्टर्स, ठीक है, तो कंस्ट्रेंट टू गवर्नमेंट पावर, एब्सेंस ऑफ करप्शन, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, सिविल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस, तो ये सारे 8 पॉइंट्स वो देखता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड ये 4 इसकी डेफिनेशन जो बताई है, ठीक है, तो उसने ये कहा है कि 4 जो प्रिंसिपल हैं उन्हें कवर करना चाहिए, तो फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल और फोर्थ प्रिंसिपल। तो उसमें जो फर्स्ट वाला था, हमने जो पीछे क्वेश्चन किया, इसी को चेंज किया गया था, गवर्नमेंट एंड इट ऑफिशियल एंड एजेंट्स आर अकाउंटेबल, अकाउंटेबल होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब 11th क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि कोई भी अगर साइट किसी भी तरीके की अगर न्यूज़ में रहती है तो आपको उसके बारे में बेसिक कम से कम थोड़ा पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे है, किससे रिलेटेड है, क्या है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये न्यूज़ है सामने आपके कि कोडव मन्नाल बरियल साइट जो है रिसेंटली न्यूज़ में थी, ठीक है, तो ये क्या है, कौन सी साइट है, ये नियोलिथिक साइट है, पैलियोलिथिक साइट है, मेगालिथिक साइट है या चैल्कोलिथिक साइट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ये एक मेगालिथिक साइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर से उसी के ऊपर वन लाइनर के फॉर्म में पूछा है, ठीक है। देखिए वन लाइनर के फॉर्म में अभी हैं, बट जब आगे आपको अभी देखेंगे, आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे अभी इसमें, तो आपको मिलेंगे क्या स्टेटमेंट के फॉर्म में लंबे लंबे, वो पिछले दिन की न्यूज़ से निकाल के स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन बना दिए जाएंगे, आज के जो हैं वो नेक्स्ट डे में बना दिए जाएंगे, ताकि आप वन लाइनर के थ्रू स्टेटमेंट वाले फॉर्म को भी करना सीखें, ठीक है। चलिए तो ये किस स्टेट में है आपको ये बतानी है, ठीक है। कोडव मन्नाल बरियल साइट जो है कहाँ पे है आपको अब ये भी पता होना चाहिए, तो ये है आपकी कहाँ पे, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कहाँ पे है, तो ये है आपकी तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कोडव मन्नाल में क्या हुआ है, खुदाई चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्रेन्स मिले हैं, ठीक है, कहाँ पे, ईरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है ये एक मेगालिथिक साइट है, देखिए ये न्यूज़ में था पूरा का पूरा, क्या है कि ये मेगालिथिक साइट है, कल्चर की साइट है। ध्यान रखिएगा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कम आते हैं, बट इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि मेगालिथ कहाँ मिलते हैं, इस तरीके की ये कुछ साइट दिखती है मेगालिथिक, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं और उसके अंदर बरियल्स होते हैं, ठीक है। चलिए तो मेगालिथिक साइट है, यहाँ पे क्या होते हैं मेगालिथ, मेगालिथ कुछ नहीं होते, जहाँ पे खुदाई रखी है, थोड़ा गड्ढा सा है और बड़े बड़े पत्थर लगा के जो कब्र होती हैं वो पत्थरों के थ्रू बनाई जाती हैं, ठीक है, इन्हें मेगालिथ कहते हैं, ठीक है। अब मेगालिथ साइट्स इंडिया में कहाँ कहाँ मिलती हैं देखना होगा आपको, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। और ये कल्चर कहाँ कहाँ, कुछ ट्राइब्स बहुत फॉलो करती हैं, गोंड ट्राइब जो है सेंट्रल इंडिया में और खासिया जो है मेघालय में, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ लिटरेसी रिसोर्सेज देखते हैं कि कहाँ पे लिटरेचर में दिया गया है इनके बारे में। तो तमिल लिटरेचर में आपको देखने के लिए मिलता है, एक साइट है नाडुकल, ठीक है, तो ये साइट यहाँ पे देखने को मिलती है तमिल लिटरेचर में, और एक मनी मेखलई एक तमिल लिटरेचर है, उसमें इसके बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे इस फॉर्मेट में पूछा जाता है कि संगम लिटरेचर में मेगालिथ के बारे में बताया गया, तो हाँ बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करंट अफेयर का, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कंट्री का पहला आई लैब, इन्फेक्शन डिसीज डायग्नोस्टिक लैब, ठीक है, जो लास्ट माइल रहेगा कोविड 19 की टेस्टिंग के लिए, किसने डेवलप किया, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक में, कि CSIR ने किया है, DRDO ने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा ने किया है, AMTZ ने किया है, इसका फुल फॉर्म नहीं दिया मैंने, वो अभी हम आगे देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि जिसको पता होगा वो कर ही लेगा, ठीक है। तो चलिए सही आंसर है सी, AMTZ ने किया, इस तरीके के क्वेश्चन बन के आते हैं सामने, ठीक है। नेक्स्ट है, अब नेशनल ये किसके अंदर था, नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंदर था, तो वही है नेशनल बायोफार्मा मिशन को जो है कौन इंप्लीमेंट करता है, इसी से रिलेटेड ये पिछले वाले से था उसी करंट से, तो ये स्टैटिक का थोड़ा पोर्शन हो गया, तो कौन इसे इंप्लीमेंट करता है, CSIR करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करता है, या BI एम्स करता है, या BIRAC करता है, ठीक है, कौन करता है, ये आपके पास क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। CSIR करेगा, अब आपको CSIR के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसका स्टैटिक पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बाकी के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बट इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन निकल आते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, तो BIRC ने इसे बनाया है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करती है, सॉरी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेशनल बायोफार्मा मिशन जो है इसे किसने को फंड किया है, फंडिंग इसकी किसने की है, ठीक है, IMF ने की है, वर्ल्ड बैंक ने किया, WHO ने किया, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ने किया, ठीक है,
तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। बायोफार्मा उससे लिंक कर गया तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा इसका बी, वर्ल्ड बैंक इसे फाइनेंस करता है, किसको, नेशनल बायोफार्मा मिशन को। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है बंधु लोगों, चलो आगे बढ़े। चलिए बी आंसर करेक्ट है। अब बात करते हैं, देखिए आई लैब बनाया है, ठीक है, किसने बनाया, आंध्र प्रदेश मेडिटेक जोन लिमिटेड ने बनाया है, नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंडर बनाया है। अब नेशनल बायोफार्मा मिशन क्या है, एक इंडस्ट्री और एकेडमिक का कोलैबोरेशन है, 2017 में लॉन्च किया गया था, 1500 का बजट है इसका, इंप्लीमेंट कौन करता है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल इसे लॉन्च क्या करती है, इसे करती है, और ये क्या है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, PSU है, ठीक है। और इसमें इनोवेट इन इंडिया की बात की गई है, जिसमें बायोफार्मा सेक्टर को डेवलप करने के लिए काम किया जाएगा, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर है। चलिए नेक्स्ट, ये वापस करंट अफेयर की न्यूज़ है, ठीक है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि एनुअल ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, फॉर वुमेन, फॉर चिल्ड्रेन और फॉर लेबर, ठीक है। और भी ऑप्शन अलग तरीके से दिए जा सकते थे इसे, ठीक है, बट थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए रखा है, ठीक है, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड बैंक देता है, WTO देता है, कुछ भी डाला जा सकता है ऑप्शन में, ठीक है, आपको करेक्ट पता होना चाहिए, बट कंफ्यूजन करने के लिए मैंने इसे यहाँ पर डाला है। सो द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब बनाया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 19 जून को, 20 जून को, 21 जून को, 22 जून को कब बनाया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन निकल के आते हैं, एकदम मजाक में मत लीजिए, इसका मतलब क्या मुझे सारे दिन याद करने हैं, नहीं, ठीक है, कोई दिन याद नहीं करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि पूछा ही जाए, ठीक है, बट कोई जो करंट अफेयर में जो आ गया उससे वो पूछा जाएगा, जो बनाया जा रहा है रेगुलर तरीके से, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अर्थ डे, एनवायरनमेंट डे, इन सबको छोड़ दिया जाए, ठीक है, जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में आपको पढ़ना है, तो बाकी अगर कोई करंट अफेयर में आया तो ही, तो करेक्ट आंसर है इसका 20 जून, ठीक है, तो क्या है इसका करंट आंसर, 20 जून। चलिए नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी का हेडक्वार्टर कहाँ है, अब इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास निकल के आएंगे, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको ये बताना है, जेनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, पेरिस में है। ध्यान रखिएगा, मैंने आप कई बार बताया कि आपको सिटी भी पता होनी चाहिए और कंट्री भी पता होनी चाहिए, तो जब भी ऐसी चीज़ें पढ़ें कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सिटी और कंट्री दोनों साथ में पढ़ते चलिए, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपका जनीवा में, कहाँ पे है, जनीवा में है, ठीक है। चलिए जनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा, कुछ तो हेडक्वार्टर ऐसे ही ध्यान रखिए, कुछ लोकेशन जनीवा में किसके हेडक्वार्टर हैं, न्यूयॉर्क में किसके हेडक्वार्टर हैं, लंदन में किसके हेडक्वार्टर हैं, पेरिस में किसके हेडक्वार्टर हैं, ये 4-5 तो ऐसे ध्यान ही रखिए, कहाँ कहाँ किन के हेडक्वार्टर हैं। चलिए अब बात करते हैं, इसने अपनी रिलीज जारी की है, ठीक है, बस ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है माइग्रेंट्स के ऊपर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जनेवा स्विट्जरलैंड में 1950 में फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, और कुछ इसने फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, ऐसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब बनाया जाता है, 20 जून को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्कीम जो है वो कहाँ से लॉन्च की गई है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है, कि अगर कोई स्कीम है तो स्कीम से रिलेटेड पूछा जाएगा कि उसे कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है, ठीक है, वो कहाँ से लॉन्च किया गया और उसके कुछ बेसिक प्रोविजंस पूछे जाते हैं, ठीक है, किसी भी स्कीम के, तो आपको ये कुछ बेसिक चीज़ें किसी भी स्कीम से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने होते हैं, तो हमारा पहला यही रहता है कि हम उन्हें पॉइंटर्स में तोड़ देते हैं ऑनलाइनर में, और बाद में एक दो दिन बाद आपको वो क्या मिलेंगे, पूरे क्लब फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, तो अगर आप पॉइंटर अच्छे से कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि वहाँ पे अगर कोई एक दो पॉइंट अगर नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करके उसे सॉल्व कर लेंगे। तो MP से की गई है, UP से किया गया है, राजस्थान से किया गया है, बिहार से किया गया है, कहाँ से, बिहार से किया गया है, ठीक है। चलिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है, कहाँ से, बिहार से, 20 जून से लॉन्च कर रही है, ठीक है, और किनके लिए, जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं जो रिटर्न किए गए हैं कोविड के बाद, ठीक है, उनके लिए 125 दिन के लिए लॉन्च की गई है, ध्यान रखना, उसे बोल देगा पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं, 50,000 करोड़ का बजट है इसका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 6 स्टेट में अभी पायलट प्रोजेक्ट पे लॉन्च किया गया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा इन 6 स्टेट में स्टार्ट हुई है, बाकी में अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, ठीक है। US के प्रेसिडेंट हमारे डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने, ठीक है, कुछ सैंक्शंस की बात की है, ठीक है, चाइना के ऊपर उइगर्स से रिलेटेड, तो ठीक है, ये उइगर्स जो हैं ये कौन है, हिंदू माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटी है, या बुद्धिस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, और US को तो चाहिए चाइना को घेरने का कहीं ना कहीं से एक जुगाड़, तो ये जुगाड़ यहाँ से मिला हुआ है, ठीक है,
जहाँ पे चाइना ने बहुत ज़्यादा इनके साथ तबाही मचाई थी, इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया था, तो इट इज़ अ मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, बी आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है, ये देखिए पूरा क्वेश्चन था, पूरा न्यूज़ में आया था आर्टिकल, तो क्या है, मुस्लिम माइनॉरिटी है। ठीक है, रिप्रेशन हुए थे इनके, ठीक है, किसने, चाइना ने किए थे। ठीक है, चलिए आप थोड़ा ये भी पॉइंट रखिएगा, किस प्रोविंस में मिलते हैं, जिंगजियांग प्रोविंस में ये रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये पिछले दिन का जो हमने करंट अफेयर किया है अभी तक, ठीक है, उसमें ये मैंने वन लाइनर के फॉर्म में पूछा था। अब ये आपको वन लाइनर के फॉर्म से क्लब करके आपके सामने है, ठीक है, लंबी स्टेटमेंट में जिस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली यूपीएससी में। ठीक है, तो जब आप वन लाइनर कर लेते हैं तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है स्टेटमेंट्स का। अब उसके बाद अगर आपको एक भी स्टेटमेंट याद है तो आप उस तरीके से क्वेश्चन इन्हें आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बताना है, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स मैंने कराए हैं। ठीक है, तो देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है क्या? हाँ भाई, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका सेक्रेटेरिएट होस्ट कौन करेगा? OECD करेगा पेरिस में। एकदम सही स्टेटमेंट है, मैंने ये पढ़ा है भैया पिछले में। तो केवल ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, दो पहले से ही करेक्ट हो गया। देखिए इस तरीके से सॉल्व कीजिए, तो ये पहले से ही करेक्ट हो गया, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है ही भाई। अब बची पहली स्टेटमेंट, मुझे पता होनी चाहिए, AI से रिलेटेड है, AI से रिलेटेड है, थर्ड ऑप्शन एकदम डी ऑप्शन करेक्ट बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो ये सब हम लोग पहले से ही कर चुके हैं, पूरा का पूरा इससे रिलेटेड, GPAI से रिलेटेड। ठीक है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, OECD के पास इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मतलब इसका सेक्रेटेरिएट रहेगा, AI से डेवलपमेंट की बात ये करेगा, यूज़ ऑफ AI इन ह्यूमन राइट इंक्लूजन डाइवर्सिटी इनोवेशन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सामने आता है, पहले भी हमने इसे वन लाइनर के फॉर्म में किया है, अब आज ये आपको क्लब करके इस फॉर्मेट में मिला है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसे। और यहाँ पे कभी कभी ऐसा ही होता है, ठीक है, कि कोई एक स्टेटमेंट शायद हमें नहीं पता होती है, तब थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, चलिए, या फिर कोई एक स्टेटमेंट पता हुई तो किस्मत अपने आप ही चंगी हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं थोड़ा किस्मत का खेल। ठीक है, तीन पॉइंटर्स हैं मेरे पास, तीन स्टेटमेंट हैं। ठीक है, तो JPE मिशन जो है इसके बारे में हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ज्वाइंट मिशन है जाक्सा और इसरो का, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, पुट करेगा लैंडर कहाँ पे, मून की सरफेस पे। ठीक है, और वाटर की क्वालिटी क्वांटिटी देखिएगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, पहली दूसरी स्टेटमेंट दोनों सही है। तो अब देखिए यहाँ पे है पहला दूसरा और यहाँ पे है पहला दूसरा। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट पता होनी ही चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में सारा जो खेल है वो केवल और केवल थर्ड स्टेटमेंट पे ही है। तो आप 50-50 पे तो आ गए, देखिए आप 50-50 पे तो आ गए, बट आप 100% श्योर तभी हो सकते हैं जब आपको थर्ड स्टेटमेंट पता हो। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा यूपीएससी में गेम हो जाता है कि आपकी स्टेटमेंट आपको कौन सी पता है। अब मान के चलिए किसी स्टूडेंट को ये दोनों स्टेटमेंट नहीं पता है कन्फर्म तरीके से, बट उसे थर्ड स्टेटमेंट ये पूरी तरीके से पता है, कन्फर्म है कि इसे GSLV के थ्रू लॉन्च नहीं किया जा रहा, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो ये गया ये गया ये गया और ए स्टेटमेंट अपने आप सही हो गई। इसलिए जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो उसे अच्छे से पढ़ें। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, जापान और इसरो मिलके इसे कर रहे हैं। ठीक है, 2023 में इसे लॉन्च करेंगे। ठीक है, इसरो की मदद से, और जापान का H3 जो रॉकेट है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। वाटर की क्वांटिटी देखेगा कहाँ, मून पे देखेगा, कहाँ पे पोलर रीजन्स में देखेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जितने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या इसमें करेक्ट है, क्या इसमें गलत है, क्या इसमें करेक्ट है, क्या इसमें रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। फायदा हो गया आप लोगों का। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, इसे भी हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, सो किससे रिलेटेड है, सिप्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। ठीक है, दो ऑप्शन आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करके बताना है। ठीक है, चलिए, सो टाइमर आपका आप हो रहा है, तो पहला आपके पास पॉइंट ही आता है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सिप्री से रिलेटेड है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। पहला है, ये एक थिंक टैंक है जो आर्मामेंट, आर्म कंट्रोल, डिसआर्मामेंट की बात करता है, स्वीडन में है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है बंधु, हम लोग पहले कर चुके हैं। ग्लोबल पीस टेररिज्म रिपोर्ट जो है
लॉन्च करता है ये, गलत स्टेटमेंट है, ये नहीं करता, आईपी ही करता है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ए 23rd का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, स्वीडिश थिंक टैंक है, ठीक है, 1996 में ये बनी थी, ठीक। और उसके बाद जो ये ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है ये कौन लॉन्च करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस करता है, जो का कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। चलिए, अब 30वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 24th क्वेश्चन सॉरी। और ये इससे रिलेटेड है, इंडियन गैस एक्सचेंज से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है, इससे रिलेटेड है, इंडियन गैस एक्सचेंज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि ये फर्स्ट नेशनल वाइड ऑनलाइन डिलीवरी गैस बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है, द बिडिंग इज डन इन एन एनोनिमस मैनर, और बायर और सेलर एक दूसरे को नहीं जानेंगे। तो ये दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट यहाँ पे सही हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पहले से ही कर चुके हैं, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस के अंदर, ठीक है। डिलीवरी बेस्ड मैकेनिज्म रहेगा, ठीक है, एनोनिमस मैनर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद प्राइस डिस्कवरी जो है उसे अच्छे से देख पाएंगे, वेब बेस्ड पोर्टल रहेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यसभा के इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं कुछ बाय सीटों पे, ठीक है, तो बाय पोल इलेक्शन। तो आप उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनाया है मैंने, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, चार स्टेटमेंट है आपके सामने में और आपको इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करके देनी है। ध्यान रखिएगा आपको क्या स्टेटमेंट निकालनी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। जब भी आप क्वेश्चन करें तो इस बात का ध्यान रखें, आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, आपका टाइमर अप होता है, ठीक है। सो तो पहला पॉइंट ये आता है कि राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, सही ऑप्शन है। दूसरा है, 2/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर कर जाते हैं एवरी सेकंड ईयर, ये गलत है, 2/3 नहीं है, 1/3 है। तो बी ऑप्शन इज द राइट इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो कितने होते हैं, 1/3 होते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। बाकी पॉइंट जितने भी है सब सही है, आप यहाँ से आराम से उन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है करंट अफेयर का, वापस 26 क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर में रहा, न्यूज़ में रहा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि अपर हाउस ऑफ नेपाल का जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसने क्या किया है, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2077 लॉन्च किया है, ठीक है, पास किया है। तो ये जो है उनका जो ये क्या नाम है अमेंडमेंट है, ये किससे रिलेटेड है। अब आप बोलोगे दूसरी कंट्री का पढ़ना है, नहीं, क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है इसलिए इसे पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आप सही ऑप्शन फाइंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ए बी सी डी में, कि ये क्या करता है, इंडिया की कुछ टेरिटरी को दिखाता है अपने नए मैप में, जो है आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। देखिए, बस सारे पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, उत्तराखंड, काला पानी, लिपू लेक और लिपू यादुरा, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट है, देखिए ये न्यूज़ में था, सेकंड अमेंडमेंट, ठीक है, इंडिया की टेरिटरी, काला पानी, लिपू लेक, लिपू यादुरा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, ये दवाई न्यूज़ में, मैंने आपको कई बार बताया, अगर कोई भी दवाई न्यूज़ में होती है तो आपको ये पता होना चाहिए वो कैसी दवाई है, किस में यूज़ होती है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, करंट अफेयर का ही है, ठीक है, कि यूमीफेनोवीर जो ये दवाई है रिसेंटली न्यूज़ में है, ये क्या है, एंटीवायरल है, एंटी मलेरियल है, एंटी बैक्टीरियल है, या फिर ये कोई कैंसर ड्रग है, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो इट इज़ अ एंटीवायरल ड्रग, क्या है, एंटीवायरल ड्रग, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा न्यूज़ में था, इसका अंडरगो ट्रायल करने के लिए सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट ने इसे टेस्ट दे दिया है कि भाई आप कर सकते हैं, क्या है, एंटीवायरल ड्रग है ये, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जून 30 के बारे में। देखिए, इसके ऊपर रिलेटेड हम क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, तो इसमें केवल मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ कि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पिछले ही वीडियोज़ में कर चुके हैं। तो जून 1865 को क्या होता है, स्लेव जो थे, स्लेवरी ख़त्म कर दी गई थी यूएस में, ठीक है। तो उस टाइम से रिलेटेड ये है, तो उसी को कहा जाता है जून तीन, ठीक है। तो अगर पूछे जून तीन क्या है, तो स्लेवरी जब यूएस में ख़त्म हुई, तो पिछली वीडियोस अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में मैं पहले से ही क्वेश्चंस करा चुका हूँ, ठीक है। कब बनाया जाता है, 19 जून को बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, सो अभी यहाँ पे हमारे ख़त्म हो जाते हैं पूरे करंट अफेयर के आज के जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं अपने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यूज। ध्यान रखिएगा, अभी हम जितने भी करेंगे सब वन लाइनर फॉर्म में करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि वन लाइनर के फॉर्म के क्वेश्चंस हम शुरुआत में इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका थोड़ा बेसिक बनता चले, और उसके बाद क्या है, हम लोग आएंगे बड़े क्वेश्चंस पे जो इस सेशन के एंड में रहेगा, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग यूज टू होल्ड द रिलीजियस असेंबली एट प्रयाग एवरी 5 ईयर, ठीक है। तो हर 5 साल में ये असेंबली कौन करता था, चार ऑप्शन है आपके सामने, कम से कम ऑप्शन अच्छे से पढ़िए, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क और
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो कौन करता था? हर्षवर्धन करता था, ठीक है, यही आगे चल के आपका कुंभ मेला बना। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने कि गौतम बुद्ध को प्रिंस के टाइम में, प्रिंस जब थे तब उन्हें किस नाम से जाना जाता था? गौतम के नाम से, सिद्धार्थ के नाम से, राहुल के नाम पे, या फिर सुदोधन के नाम से? तो राहुल उनका नाम, तो उनके किस नाम से जाना जाता था? सिद्धार्थ के नाम से उन्हें जाना जाता था, ठीक है। चलिए 52 हो गया। अब 53 के बारे में बात करते हैं। द जातका जो है, ठीक है, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टोरीज में क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन से रिलेटेड है, हिंदू मिथ से रिलेटेड है, जैन सेंट से रिलेटेड है, या फिर क्या करता है ये? अर्लियर बर्थ के बारे में बताता है बुद्धा के। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 54th क्वेश्चन आपके सामने है। जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुए इंडिया में, ठीक है, वो फुल ग्लोरी में कब थे, ठीक है? सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर में काम कब हुआ? तो वो हुआ आपका गुप्तास के टाइम में हुआ। नेक्स्ट है कि जो क्या नाम है, डीप ट्रांसफॉर्मिंग जो थे कलिंग वॉर के बाद अशोक का जो हुआ, ठीक है, ये आपको किस में देखने के लिए मिलता है? किस, कहाँ पे आपको इसका एविडेंस मिलता है? तो ये अशोका के रॉक एडिक्ट्स में मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द प्राउड टाइटल विक्रमादित्य हैड बीन अज्यूम्ड बाय, तो किसने ये टाइटल अज्यूम किया, आपको ये बताना है। तो ये अज्यूम किया था आपके किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने इसे अज्यूम किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द रीजन वॉज द फर्स्ट मेटेलिक कॉइन यूज इन इंडिया। अब आपको इसका बताना है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? हिमालय में हुआ, बिहार में हुआ, डेक्कन में हुआ, कहाँ पे हुआ? तो सबसे पहले इंडो गंगेटिक प्लेन में हुआ, ठीक है, ऑफ सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट है, फर्स्ट मेटल जो है टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज बाय ह्यूमन, ठीक है। तो 58 में आपको बताना है कि फर्स्ट मेटल कौन सा ऐसा है जो डिस्कवर किया और यूज किया, ठीक है, ह्यूमन ने। तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 58 का, आपका हो जाएगा डी, कॉपर किया गया था, ठीक है, आयरन बाद में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फिलॉसफी प्रोपाउंडेड इन उपनिषद इज नोन एज, ठीक है, वो कौन सी है? अगर जो फिलॉसफी उसमें दी गई है, अद्वैत, अद्वैता है, योगा है, सामाख्य है, क्या है? वेदांता है। 59 का क्या हो जाएगा? बी आपका, ठीक है। चलिए अब 60 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आफ्टर द ग्रोथ ऑफ वैदिक रिलीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ सो कॉल्ड हिंदुइज्म वॉज द डेवलपमेंट ऑफ शिविज्म, शक्तिज्म, भगवतिज्म और तांत्रिकिज्म, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, भगवतिज्म का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, भगवतिज्म रेफर टू वासुदेव कृष्णा की, ब्रह्मा की, ब्रह्मा विष्णु शिव की, या दुर्गा शक्ति? तो वासुदेव कृष्ण की भक्ति से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, वैष्णुइज्म अ लेटर डेवलपमेंट ऑफ भगवतिज्म एडवोकेट द वर्कशिप ऑफ, किसकी करता है? विष्णु की करता है, राम की और कृष्ण की, विष्णु एंड हिज इनकारनेशंस की करता है, या फिर आपकी विष्णु और लक्ष्मी की करता है? तो ये करेक्टली किसकी करता है? विष्णु और हिज इनकारनेशन। नेक्स्ट है, हिंदू सोशल जो है उसमें मैरिज जो है परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिचुअल डिस्क्राइब्ड इन, ठीक है, तो रिचुअल्स, किस रिचुअल्स के हिसाब से ये पूरा जो रिचुअल्स है किस में डिस्क्राइब है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में और ग्रह सूत्र में। तो ये ग्रह सूत्र में डिस्क्राइब है, ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट जो तीर्थंकर थे जैनिज्म के वो कौन थे, ठीक है, तो फर्स्ट तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। कौन थे? ऋषभनाथ थे, ठीक है, महावीर 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, ये यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे बॉर्न हुए और कहाँ पे उनकी डेथ हुई, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज क्या होगा? वैशाली में, राजगृह में, कुशीग्रह में, पावा में, तो कुंडल ग्राम और पावा में, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, तीन ज्वेल क्या है जैनिज्म के? ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो करेक्ट आंसर इज ए, राइट, फेथ, इंटेंशन, नॉलेज और कंडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, जो फाइव वोज हैं जैनिज्म में, फोर एग्जिस्ट पहले से करते थे, एक लास्ट में जोड़ा गया, तो वो कौन सा था? सेलिबेसी जोड़ा गया, ठीक है, तो 67 का आपका हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है, तो जैनिज्म में जो निर्वाण और मोक्ष की बात की गई है, ठीक है, वो कैसे अटेन किया जा सकता है? आपके पास सारे ऑप्शन हैं, फॉलो करके, क्या फॉलो करके किया जा सकता है, ठीक है, तो आम बात है जो उनके जो उनकी आइडियोलॉजी है वो कर सकते हैं आप, थ्री ज्वेल्स जो दिए हैं और फाइव वोज जो हैं उन्हें आप फॉलो करते हैं तो क्या हो जाएगा? निर्वाणा मोक्षा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जैनिज्म श्वेतांबर और दिगंबर्स में किसके टाइम में डिवाइड हो गए थे, ठीक है, नंदास के टाइम, मौर्यास के टाइम, कुषाण के टाइम या शुंगास के टाइम? तो किसके टाइम में? मौर्यास के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्धा का नाम का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो बुद्धा के नाम का क्या मतलब है? एनलाइटेंड, लर्न, डिवाइन और सेक्रेट, तो एनलाइटेंड इसका मतलब है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये पहले भी यूपीएससी में कई बार पूछा गया इस तरीके का क्वेश्चन बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बर्थ कहाँ हुआ, नॉलेज कहाँ मिला, फर्स्ट सेमेन कहाँ और डेथ कहाँ पे हुई थी उनकी, ठीक है।
तो अगर आप इसी तरीके से आप जुगाड़ पानी लगा के एक दो स्टेटमेंट भी अगर पकड़ लेंगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल आएगा। सो करेक्ट आंसर इज इसमें क्या निकल के आएगा हमारा, डी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो ए में क्या है आपका, फोर्थ है, देखते हैं ए का क्या है, फोर्थ लुम्बिनी, ठीक है, बर्थ लुम्बिनी में हुआ, नॉलेज कहाँ मिली उन्हें, थर्ड में बोधगया में, और फर्स्ट सेरेमन सारनाथ में, तो अगर ये तो सबको ही पता होता है, और डेथ कहाँ हुई, कुशीनगर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ठीक है, अब फिर से वही क्वेश्चन पीछे का ही पूछ लिया उठा के, तो किसके टाइम में, अशोका, कनिष्क, मेंडर और हर्ष के टाइम में, तो किसके टाइम में, कनिष्क के टाइम में, ठीक है। द ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म वॉज, तो ये आपको क्वेश्चन देखना है 73, इसमें क्या करेक्ट आंसर है, इसमें करेक्ट आंसर है आपका अश्वघोष होगा, वासुबंधु होगा, नागार्जुन होगा या नागसेन होगा, तो नागार्जुन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जातकाज आर द स्टोरीज ऑफ बुद्धा की लाइफ, बुद्धा की प्रीवियस लाइफ, लाइफ ऑफ फ्यूचर बुद्धा, लाइफ सेम, तो बुद्धा की प्रीवियस लाइफ के बारे में जो पूरा नॉलेज है वो किसमें दिया है, जातकाज स्टोरी में दिया गया है, ठीक है। आउटसाइड इंडिया बुद्धिज्म सबसे पहले कहाँ पे फैला, तो कहाँ फैला, चाइना में, जापान में, तिब्बत में, श्रीलंका में, श्रीलंका में, ठीक है। नेक्स्ट है, 6th century BC में नॉर्दर्न इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 16 ग्रेट स्टेट, 8 रिपब्लिक, बोथ ए एंड बी और अंगा और मगध, तो करेक्ट बात है ये सी, ठीक है, ये बुद्धिज्म से हमें पता चलता है उनके बुक से, ठीक है। नेक्स्ट है, 6th century BC में फॉलोइंग एमर्ज एज़ द मोस्ट पावरफुल किंगडम, ठीक है, तो 6th century BC में सबसे मोस्ट पावरफुल कौन पैदा होकर आया था, हमें पता ही है, देखना होगा आपको, पहले आपको 6th century BC में पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, तो उस टाइम थोड़ा आप जाएंगे, BC का मतलब होता है क्राइस्ट के जन्म से पहले आपको जाना है, तो इस टाइम कौन हुआ था, मगध की पावर बहुत बढ़ गई थी, ठीक है, बाकी सब तो बाद में आए थे, ठीक है। तो चलिए, अब जब अलेक्जेंडर ने इंडिया में इन्वेड किया तो उस टाइम किसका रूल था, हिरण्याक्ष का, शिशुनाग का, नंदास का और मौर्यास का, तो किसका था, नंदास का रूल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 79 क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य की मदद से इन्होंने नंदास को हरा दिया, ठीक है, ख़त्म कर दिया, और क्यों ख़त्म किया, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसे हेम्यूलेट किया, लो बॉर्न था, या फिर क्या, किस वजह से, तो इसका करेक्ट आंसर है थी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या है, वेल्थ और पावर क्या कर रखी थी, लोगों से छीन के रख ली थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो नंदास का डिक्लाइन है, ठीक है, वो कौटिल्या के थ्रू और चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू, ये किस 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 संस्कृत प्ले में पूरी तरीके से मेंशन किया गया है, तो मुद्र, राक्षता, देवी चंद्रगुप्ता, मृच कटिका और मालविका मित्रम, तो किस में ये पूरी तरह मेंशन है, तो ये मालविका मित्रम में ये पूरी तरीके से मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है, कौटिल्य जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी कहा जाता है, इन्हें किससे आप कंपेयर कर सकते हैं, तो मैकियावेली से इसे आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीस जो है एम्बेसडर था सेल्यूकस, मेगास्थनीस एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, तो मौर्य कोर्ट में पाटलिपुत्र भेजा गया था और उसने अपनी बुक क्या लिखी थी, वो बुक का नाम क्या था, उस बुक का नाम है इंडिका, ठीक है, 82 का ऑप्शन क्या है आपका, इंडिका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अशोका, ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि सबसे ज़्यादा हिस्ट्री का जो सोर्स है वो अशोका के लिए क्या है, अगर आप अशोका को जानना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, ठीक है। नेक्स्ट है कि कलिंग वॉर के बाद अशोका ने डिसाइड किया कि वो कभी लड़ाई पे नहीं जाएगा, ठीक है, क्यों ऐसा, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो आपको निकालना है, तो करेक्ट आंसर है सी, आपने मूवी भी देखी होगी कि बहुत सारे जो वॉयलेंस देखा, स्लॉटर देखा, कॉम्बनेट जो लड़ने वाले थे और जो ना लड़ने वाले थे सैनिकों का और जो सैनिक नहीं थे उसके कारण उसने छोड़ दिया, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन में अपने आप को क्या कहा है, तो उसने अपने आप को क्या कहा है, इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अशोका इंस्क्रिप्शन में अशोका कहाँ कहा गया है, प्रिय दृष्टि कहाँ गया गया, किस इंस्क्रिप्शन में कहा गया है, इस तरीके के भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो देवम प्रिय प्रिय दृष्टि कृष्ण किंग कहा है उसने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अशोका क्लेम करता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री लाइफ इन फैक्ट दैट, अब ये चार ऑप्शन आपके साथ हैं, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे इधर उधर हो गया, थोड़ा इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन का सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा, आफ्टर अ सिंगल कॉन्क्वेस्ट ही डिसाइडेड डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू कम्प्लीटली टू द कॉज ऑफ पीस, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पोस्ट क्रिएटेड बाय अशोका वॉज राजुका युक्ता धर्म महामात्य, तो सी का करेक्ट आंसर है धर्म महामात्य, ठीक है, ये क्या करते, बुद्धिज्म को फैलाने के लिए इन्हें किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बुद्धिज्म या फिर जो उसके जो भी रिलीजन थे, ठीक है, उसे, ठीक है, क्योंकि उसका जो खुद का रिलीजन आइडियोलॉजी थी वो ऐसी कुछ थी नहीं, ठीक है, वो मतलब अच्छे से रहो, खाओ पियो, मतलब बढ़िया से रहो, उस हिसाब से थी, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न स्कल्प्टर्स के बारे में, हाईएस्ट परफेक्शन उन्होंने किस में पाली थी, ठीक है, तो किस में पाई थी, एनिमल फिगर में पाई थी। नेक्स्ट है, अशोकन पिलर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ठीक है, मोनोलिथिक कार्विंग यूनिफॉर्मिटी, मेन था पॉलिश, ठीक है। चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्चुअल कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है, डिवीजन, फॉरेन एग्रेशन, इकोनॉमिक, तो क्या था, अशोकन पैसिफिस्ट पॉलिसी नहीं थी, मतलब पूछ रहा है नॉट, ठीक है। हु सुपरसीड द पावर ऑफ मौर्य आफ्टर किलिंग द मौर्यन किंग बृहदित्य, तो किसने किया था, शुंगा ने किया था, पुष्यभूत शुंगा ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर इन इंडिया फेमस ऑफ हिज सेंस ऑफ जस्टिस एंड डायलॉग विद बुद्धिस्ट डायलॉग नागसेन, कौन था, मेंडर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मेंडर मलिंदोपनो, इससे रिलेटेड एक किताब भी है, ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मलिंदोपनो, ठीक है। द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर इन द साउथ ऑफ विंध्यास वॉस, ठीक है, सातवाहनास। चलिए, द ग्रेटेस्ट क्लेम ऑफ द फेम ऑफ सातवाहनास इन अकाउंट ऑफ, सातवाहनास ने सबसे ज़्यादा किसमें अच्छा काम कर लिया, तो उन्होंने काम किया था इकोनॉमिक प्रॉस्पैरिटी पे, ठीक है, और फॉरेन ट्रेड पे। मोहनजोदड़ो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट में मोहनजोदड़ो आपकी मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ओल्डेस्ट वेद क्या है, हम पहले ही कर चुके हैं, ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो आर्यंस हैं, ठीक है, वो उनकी जो फैमिली थी वो कैसी थी, पेट्रियार्कल थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्धा वॉज बॉट अप बाय, ठीक है, किन्होंने उसे पाला पोषा बड़ा किया था, तो महाप्रजापति गौतमी नाम था पूरा। महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, हम कर ही चुके हैं 24 तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो महावीर को कहा जाता है, सॉरी बुद्धा को कहा जाता है, करेक्ट आंसर इज डी बुद्धा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एट फोल्ड पाथ वॉज बाय किसने दिए थे, एट फोल्ड पाथ बुद्धा ने दिए थे, ठीक है, टेंशन ही नहीं। नेक्स्ट है, श्वेतांबर जैंस वर, श्वेतांबर क्या पहनते हैं, सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, दिगंबर्स जो होते हैं वो कपड़ा नहीं पहनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बुद्धा ने, बुद्धा की और कर्मा की आइडियोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए थोड़ा, ठीक है, कि उसने क्या किया, इसे माना कि नहीं माना, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है, उन्होंने थ्योरी पे बिलीव किया, कर्मा की थ्योरी पे बिलीव किया, ठीक है। नेक्स्ट है, किस भाषा में लिखी गई थी बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन, तो पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी वो आपकी कहाँ पे हुई थी, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, राजगृह में, या फिर अवंती में, ठीक है, तो लुम्बिनी में आपकी पहली काउंसिल हुई थी, सॉरी राजगृह में हुई थी, ठीक है, पहली काउंसिल कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी, ठीक है, ठीक है, लगता है इसे ध्यान कर दीजिएगा, थोड़ा राजगृह में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, अशोका वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क कॉल्ड, उपगुप्त से, विष्णु, वाशुबंधु से, आंबी से, और अश्वघोष, सबसे ज़्यादा वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जाता है, उपगुप्त से था, ठीक है, मूवी देखी होगी, मूवी में उपगुप्त दिखाया गया है, अशोका वाली, शाहरुख खान वाली। तो नेक्स्ट बात करते हैं, मेगा स्टेनिस विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, अब मेगा स्टेनिस जब इंडिया आया तो उस टाइम इंडिया में राजा कौन था, तो उस टाइम राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। मेगा स्टेनिस जो है वो किसका एम्बेसडर था, तो मेगा स्टेनिस जो था वो सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, ठीक है। द इंडिका किसने लिखी, हम पहले से ही देख चुके हैं, मेगा स्टेनिस ने लिखी, किसने लिखी, मेगा स्टेनिस ने लिखी। नेक्स्ट है, मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड किसने किया था, तो हमें पता ही है मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 111, द मेन ऑक्यूपेंट ऑफ आर्यंस, आर्यंस का मेन काम क्या था, वो था आपका एग्रीकल्चर, ठीक है, तो 111 का आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर। वैसे तो मेन आर्यंस क्या करते थे, पशुपालन एक तरीके से देखा जाए तो। ऋग्वेद में टोटल हाइम्स कितनी है, 1028 हाइम्स है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है, युई ची जो थे, ठीक है, तो इन्हें चाइना से किसने निकाल दिया, तो हुंस ने इनको निकाल दिया, हुनाज ने बड़ा ज़्यादा तबाही मचाई थी, ठीक है, इंडिया के रिस्पेक्टिव में भी इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना होता है एंशिएंट हिस्ट्री में। नेक्स्ट है, तो धर्म महामात्रास जो हैं, ठीक है, एक्सप्लेन द ड्यूटीज, उनकी ड्यूटीज़ जो हैं, ठीक है, उसे किस में लिखा गया है, ठीक है, तो उसे लिखा गया है माइनर रॉक एडिक्ट्स में लिखा गया है, ठीक है, 13-14 रॉक एडिक्ट्स हैं, उसे आपको पूरे पढ़ने होंगे कि उसमें किस किस में रॉक एडिक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, मॉडर्न पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कितने भागों में बटा हुआ था, कितनी बॉडीज के हाथ में, तो 6 बोर्ड के बीच में बटा हुआ था, ठीक है, ये पॉइंट पूछा गया। नेक्स्ट है, 116वां क्वेश्चन, कि जो माइनर रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब करता है आफ्टर कलिंग वॉर, कि उसने पूरी तरीके से सब कुछ छोड़ दिया कॉन्क्वेस्ट के बारे में, तो 13वां रॉक एडिक्ट में ये बात दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, जो म्यूजिक से रिलेटेड वेद है वो कहाँ, कौन से वेदा में है, तो वो है सामवेदा में, ठीक है। नेक्स्ट है, मालविका मित्रम जो है हीरो उसका कौन है फेमस, तो अग्निमित्र उसका फेमस हीरो है, ठीक है, अग्निमित्र उसका फेमस हीरो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, धम्म महामात्र की जो ड्यूटीज़ हैं वो किस रॉक एडिक्ट में दी गई हैं, ठीक है, तो करेक्ट है रॉक एडिक्ट 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट नॉट डेल्ट विद द पुरानास, पुरानास का कौन सा सब्जेक्ट इसमें से डील नहीं करता है, ठीक है,
प्राइमरी सेकेंडरी जेनोसाइड अर्थमेटिक से डील नहीं करता है टी करेक्ट आंसर। विष्णु पुराण जो है गिव अकाउंट ऑफ, किसका अकाउंट देता है? मौर्यन डायनेस्टी का। हाँ, मौर्यन डायनेस्टी का, काम खत्म। नेक्स्ट आ जाइए। अब वेल ऑर्गेनाइज स्टेट मशीनरी जो है इंट्रोड्यूस की गई थी फर्स्ट टाइम किसके टाइम में? तो वो की गई थी मौर्यन के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट मौर्यन किंग कौन था? तो बृहदत्त लास्ट मौर्यन किंग था। बिंबिसार जो है वो उसे किसने सक्सीड किया था? अशोका ने, अजातशत्रु ने, वासुदेव ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो अजातशत्रु ने। नेक्स्ट 125th क्वेश्चन आता है, जो उपनिषद हैं वो सेपरेट होते हैं ब्राह्मणास से बाय अरण्यास। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये हमने देख लिए। इसी तरीके से जो वन लाइनर एमसीक्यू हैं एंशिएंट इंडिया के, वो हम लोग लगातार करते चलेंगे, ताकि आपको क्या है, जब भी आप लूसेंट पढ़ें या फिर कोई भी एनसीईआरटी भी पढ़ें, तो आपको पता हो कि हाँ कम से कम ये बेसिक पॉइंट है जो मुझे ध्यान रखने हैं, जो स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे जाएंगे। तो ये हमारा इनिशिएटिव साथ में चलता रहेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने बड़े क्वेश्चंस पे। हमारे डेली में ये हम बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो इन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए और देखते रहिए आपकी तैयारी कैसे चलती है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। कट मोशन से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि कट मोशन क्या है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। सो देखते हैं, पार्लियामेंट डिस्कशन ओवर इट कंप्लीटेड, द मेंबर गेट अपॉर्चुनिटी टू मूव कट मोशन टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द डिमांड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट बताना है आपको, सॉरी ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट बताना है। पॉलिसी कट मोशन स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ डिमांड जो है वो कम हो जानी चाहिए 100 रुपये से, और क्या है, इट शुड बी रिलेट ओनली वन डिमांड। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। कट मोशन में कम करने की बात करेगा, इंक्रीज करने की बात थोड़ी ना करेगा। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 4th इज द करेक्ट आंसर, स्टेट दैट अमाउंट टू बी डिमांड रिड्यूस करी जाए 1 रुपये से, ठीक है। और इसमें अल्टरनेटिव पॉलिसी की बात की जाती है। कुछ मेन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, क्या कि वन स्पेसिफिक मैटर से ही रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इकोनॉमी कट मोशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इकोनॉमी कट मोशन रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। इकोनॉमी कट मोशन, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इसका आता है, देखिए 1 रुपये नहीं होता, तो ये होता है क्या, लमसम अमाउंट की बात। तो बी ऑप्शन तो अपने आप ही उड़ जाएगा हर जगह से, ठीक है। अब बचा ए और सी में। ए ऑप्शन में, इट्स वैलिडेट द स्पेसिफिक ग्रीवांस विद इन द स्फीयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, रिप्रेजेंट द इकोनॉमी दैट कैन बी अफेक्ट द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, तो करेक्ट आंसर इज 1, ठीक है। इट स्टेट द अमाउंट दैट द डिमांड रिड्यूस ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है। आफ्टर द बजट पास्ड इन द पार्लियामेंट द डिस्कशन ओवर इट इज कंप्लीटेड द मेंबर गेट अपॉर्चुनिटी टू मूव कट मोशन टू रिड्यूस द डिमांड, ठीक है। अब बात करते हैं, जो ये मोशन दिखाया गया लास्ट ऑप्शन है, ये तक टोकन कट मोशन का है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड क्वेश्चन, क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन टू चूज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसमें से आपको करेक्ट आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए जब भी इनकरेक्ट नहीं दिया है तो वो करेक्ट ही फाइंड करना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो पहली बात यह है कि मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सही है। सेकंड, ओथ जो है कौन, प्रेसिडेंट या उसके द्वारा कोई बंदा, ठीक है। तो ये गलत ऑप्शन है, इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है। तो बी गलत ऑप्शन है। और थर्ड है 25 साल और ये 30 साल, मस्ट बी 25 साल और 30 साल दोनों के लिए उल्टी कर दी गई है, तो ये करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा थर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फैक्चुअल और फैक्चुअल लेके कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ट्रिक बेस नहीं कर रहे कि ऑप्शन में आप एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करें, ताकि आप थोड़ा बेसिक को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। चलिए तो बात ये करते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। जो उसकी ओथ होगी इलेक्शन कमिश्नर दिलाएगा, 30 साल राज्यसभा के लिए, 25 साल लोकसभा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। चलिए पहला है, ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज इलेक्टर टू अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये तो करेक्ट ही ऑप्शन दिख रहा है। अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैन नॉट कंटेस्ट अ सीट नॉट रिजर्व फॉर देम, ये गलत ऑप्शन है भाई, वो कर सकता है। तो ए और सी देखते हैं, ही मस्ट बी सब्सक्राइब एन ओथ अफर्मेशन बाय इलेक्शन कमीशन, पीछे वाला पॉइंट आगे आ गया, ठीक है। तो ए और सी मतलब 4th आंसर आपका
सही है, ठीक है। चलिए वही पूरे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, फिफ्थ क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के क्वेश्चंस बनाए गए हैं ताकि आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमेशा पता हो, ठीक है, कि क्या किस तरीके से रहेगा, ठीक है। और आपकी जो चाहत है कि यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन, तो वो भी यहाँ पे पूरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए सो क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए गलत ऑप्शन आप सीधा सीधा निकाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर आप थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, चीफ मिनिस्टर इज सिलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा ओनली, गलत है, ठीक है। लोअर हाउस, अपर हाउस से भी हो सकता है, तो सी गलत है। तो सी में ये नहीं हो सकता, अब कौन सा, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, और ऑल ऑफ द अबव नहीं हो पाएगा। बी और ए बचा, तो ए देख लेते हैं। अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, भले इलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, नायक मूवी जैसे 6 महीने तक मंत्री बन सकते हो, बट उसके अंदर आपको क्या होगी, एक सीट जीतनी पड़ेगी, ठीक है, बन के आना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर इज 4, ठीक है। चलिए तो आप सामने पूरी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, पढ़ सकते हैं आप, पीडीएफ में आपको ये सब मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड। अब हम 5 क्वेश्चन करेंगे और अब हमारा ये इनिशिएटिव ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, 5 ज्योग्राफी, 5 पॉलिटी, 5 अपने हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, और इकोनॉमी और साइंस टेक के क्वेश्चन हम लोग बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए और हम फोकस ये करेंगे कि एक स्टेटमेंट आपको कम से कम पता हो ताकि आप अपना काम कर ले जाएं उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और उसमें ए ऑप्शन अगर आप देखते हैं, ठीक है, ड्राई वेट डेजर्ट आर गुड प्लेसेस ऑफ सैंड ड्यून। ड्राई वेट कैसे, ये तो हॉट होना चाहिए या फिर कुछ होना चाहिए, तो ए ऑप्शन तो गलत ही है। तो आप गए भाई साहब, आप गए, ऑल ऑफ द अबव भी गया, तो करेक्ट आंसर बी एंड सी, ठीक है। तो अब ये देखिए पैराबोलिक ड्यून्स के बारे में और ट्रांसवर्स ड्यून्स के बारे में है, ठीक है। तो पैराबोलिक ड्यून्स क्या होते हैं और ट्रांसवर्स ड्यून्स क्या होते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, इन्हें बाकंस कहते हैं, इन्हें सेल्फ कहते हैं, इन्हें पैराबोलिक ड्यून्स कहते हैं, इन्हें ट्रांसवर्स ड्यून्स कहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहते हैं, ठीक है। तो चलिए पैराबोलिक ड्यून्स जो होते हैं वो कब बनते हैं, जब वेजिटेशन होती है, वेजिटेशन अगर पार्शियल वेजिटेशन हो तब बनती है। और ट्रांसवर्स ड्यून्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं विंड डायरेक्शन के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है रिवर के फ्लो से रिलेटेड, कैचमेंट एरिया से रिलेटेड, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि कैचमेंट एरिया वो होता है जहाँ पे पानी भर जाता है, ठीक है, जब रेन होती है, और ये हिल के आसपास कभी कभी होता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, तो डाउन द मतलब ज़मीन के अंदर भी चली जाता है कुछ पानी, ठीक है, जो बाद में रिवर को क्या देता है, वापस पानी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ये कंटिन्यूस फ्लो के लिए ज़रूरी होता है रिवर के, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट देखें तो तीनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ये सारी रिवर बेसिन जो हैं उनका क्या है, कैचमेंट एरिया दिया गया है। आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया किस रिवर का है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बने हुए हैं यूपीएससी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में आप इन्फॉर्मेशन कैसे पा सकते हैं, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात की गई है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो पहला है डायरेक्ट, ठीक है, तो सॉलिड अर्थ मटेरियल से पता कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से। वॉल्केनिक इरप्शन से पता कर सकते हैं, इनडायरेक्ट में हम लोग मेटियोर की माइनिंग एक्टिविटी, ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फील्ड से पता कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही दिखते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट सोर्सेज लिखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है, और इनडायरेक्ट सोर्सेज भी आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, वही ऑप्शन में दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट है सॉइल फॉर्मेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करता है सॉइल की फॉर्मेशन, फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, थोड़ा ध्यान लगाइएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है, थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये कहता है कि ये केवल डिपेंड करेगा नेचर ऑफ पेरेंट रॉक पे, ओनली, जब भी ओनली स्टेटमेंट आ जाए दिमाग लगाना है, तो ओनली होगा तो ओनली में सोचो, नहीं यार केवल पेरेंट रॉक पे क्या, क्लाइमेट भी तो काम करेगा ना, तभी तो कोई पहाड़ है वो टूटेगा और फिर उसके बाद मिट्टी बनेगी, ठीक है, तो ये तो गलत होगा। नेक्स्ट है अदर फैक्टर जो है, टोपोग्राफी है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकन, ठीक है, ये तो बढ़िया है, तो सेकंड ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए समझ में आ गई बात। अब देखते हैं कि अलग अलग आप चीज़ों को थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि पेरेंट रॉक जो है, ठीक है, वो क्या डिफाइन करता है, कल्चर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टी, कंटेंट, प्रेमेबिलिटी, फिर क्लाइमेट उसके लिए क्या देखता है, वेदरिंग देखता है, टाइम क्या करता है, थिकनेस बताता है, फ्लोरा फोना उसका ह्यूमस बताता है कितना रहेगा, रिलीफ उसका, और जो ये होता है एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल बताता है, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं। अब जब ये सब सारे क्वेश्चंस आप ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे
तो ये हमारा मोटिव यहाँ पे ये है कि आपको क्वेश्चंस कराए जाएं, और जब भी आप ज्योग्राफी अपनी पढ़ें, क्या नाम है, स्टैटिक पोर्शन, तो आप थोड़ा इन पॉइंट्स को ध्यान रख पाएं कि अच्छा इस तरीके से ज्योग्राफी में क्वेश्चन बनेगा, ऐसे पॉलिटी में बनेगा, ऐसे हिस्ट्री में बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से आपके ऊपर रिवर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है साउथ टू नॉर्थ, ध्यान रखिएगा साउथ टू नॉर्थ बताना है, नॉर्थ टू साउथ नहीं बताना है। दसवां क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, इनसे रिलेटेड ये है आपके सामने, तो करेक्ट आंसर क्या होगा थोड़ा सोचिए। सो करेक्ट आंसर है इसका ए बी सी डी ई, ठीक है, नीचे से ऊपर चले जाइए, ठीक है, तो हो गया काम, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। चलिए देख सकते हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरा का पूरा मैप में, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हिस्ट्री के क्वेश्चन करते हैं पांच, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो था, रॉलेट सत्याग्रह था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कितनी स्टेटमेंट इसमें सही है और कितनी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, तो करेक्ट आपको स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट कहता था, ऑथराइज करता था गवर्नमेंट को किसी को भी इम्प्रिजन कर दो विदाउट कोर्ट ऑफ लॉ में उसे ले जाने के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेस्ट हैविंग गांधी जी स्टेप्ड इन, इसके कारण गांधी जी इसमें आ गए, ठीक है, सत्याग्रह लॉन्च किया, और बॉम्बे से सत्याग्रह सभा बना के इसे लॉन्च किया गया, और गांधी को क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया, तीन पॉइंट है, ठीक है। तो देखा जाए तो तीनों पॉइंट रॉलेट एक्ट से, रॉलेट सत्याग्रह से सही हैं, तो ग्यारहवें का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑथराइज हो गई थी किसी भी इंसान को विदाउट ट्रायल डालने के लिए, हिबस कॉर्पस सस्पेंड कर दिया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट फेल हुआ, तो गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह सभा बनाई गई, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया, और एजिटेशन लॉन्च किया गया मार्च 19 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, पहला पॉइंटर ये है कि खेड़ा सत्याग्रह में जो क्रॉप फेलियर की वजह से जो पीजेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, ठीक है। दूसरा ये आता है कि 1/4 जो है अगर उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कम होता है तो क्या होगा, रेवेन्यू कोड के हिसाब से उन्हें फुल कंसेशन मिल जाता। थर्ड है कि इसके लिए, इसके खिलाफ सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी एक साथ आए थे, ठीक है, किसका, पीजेंट्स का जो ये इशू था उसे लेके गवर्नमेंट के पास ले जाने के लिए, ठीक है। तो देखा जाए तो पहला और दूसरा सही है, थर्ड वाला सुभाष चंद्र बोस थे ही नहीं, वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। तो ए और बी करेक्ट आंसर है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 12 का 3, ठीक है, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, फिर से 13th क्वेश्चन है आपके सामने, बरदौली सत्याग्रह और वाइकॉम सत्याग्रह से रिलेटेड, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसमें ईयर भी चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बरदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है, और यहीं से उन्हें सरदार की उपाधि मिली, ठीक है, 30% जो रेवेन्यू हाइक किया था उसके खिलाफ था। वाइकॉम सत्याग्रह 1924 में मद्रास में लॉन्च हुआ था, ठीक है, अनटचेबिलिटी के खिलाफ लॉन्च हुआ था, ऐसी बात कही जा रही है कवि की कल्पना ऐसी है, तो कवि की कल्पना सेकंड वाले में बिल्कुल गलत है, पहली में एकदम सही है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी करेक्ट इनकरेक्ट बताना है तो ये हो जाएगा, ठीक है, ओनली ए, ठीक, वन, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 14th क्वेश्चन आपके सामने है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड फिर से आपके सामने, ठीक है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन बड़े अच्छे हैं आपके सामने, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो पहला है कि नॉन कॉपरेशन का जब विड्रॉल हुआ, ठीक है, तो उसमें जो सदर्न इंडिया में थे वो लोग सबसे पहले आ गया और उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई, अम्मा ये कैसे बन गया, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा है क्योंकि नॉर्थ में बनी थी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अशफाकुल्ला खान और ये सब जो हैं इन सबको फांसी दी गई थी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह को, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी सॉन्डर्स मर्डर के लिए, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है HSRA का जो मेन ऑर्गन था, रिवोल्यूशनरी था, वो नेशनलिज्म ऑफ रेलवे इन सब की बात करता था। अब हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो इस तरीके से पूरी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर केवल हो जाएगा 1, यानी सी ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वही पूरे पॉइंट्स हैं यहाँ पे मार्क कर दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा PDF में। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 15th क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जब भी बतानी हो तो आप पहले ये निकालिए कि इसमें से मोस्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है, जो आपको लगे कि हाँ ये तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये इनकरेक्ट है, तो उस तरीके से आप बाकी स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत भी जानेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं हम सीधा, द ड्रेन टुक फ्रॉम द एक्सेस ऑफ, इसके बारे में बात हो रही है क्वेश्चन में, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में, एक्सेस ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट,
ओवर द इट्स एक्सपोर्ट फॉर विच इंडिया डू नॉट गेट रिटर्न। उस टाइम इंडिया में इम्पोर्ट कहाँ हो रहा था बंधु, एक्सपोर्ट हो रहा था, जिसके कारण ड्रेन ऑफ वेल्थ था। एक्सपोर्ट से तो पैसा आना चाहिए था, बट पैसा आ कहाँ रहा था, ड्यूटी इतनी ज़्यादा हाई कर रखी थी कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो जाता था, ठीक है, वो हो तो रहा था बट कोई कमाई नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपका गलत है, ए और बी सही ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर, आप इसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी तरीके की क्वेरी हो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फॉर पीडीएफ एंड अदर थिंग्स। दिस इज़ माई कोड, आप इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अन अकेडमी। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए।